तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। भाई बहन का सबसे बड़ा त्योहार यदि कोई होता है तो वो रक्षाबंधन का त्योहार होता है। भाई की लंबी उम्र के लिए सभी बहनें उनकी दाहिनी कलाई पर राखी बांधती है तथा भाई उसी दिन अपनी बहन की रक्षा का वचन लेता है। तो भाई बहन के प्रेम को प्रदर्शित करने का सबसे बड़ा यदि कोई त्योहार होता है, कोई महापर्व होता है, तो वो रक्षाबंधन का महापर्व होता है। इस बार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन यानी 30 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 30 अगस्त 2023 बुधवार की सुबह 10:59 पर हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 31 अगस्त 2023 गुरुवार की सुबह 7:06 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार पूर्णिमा तिथि जो रहेगी, चंद्रोदय व्यापिनी जो पूर्णिमा रहेगी, व्रत की पूर्णिमा रहेगी, श्रावणी पूर्णिमा रहेगी और रात्रि व्यापिनी जो पूर्णिमा रहेगी वो 30 अगस्त 2023 गुरुवार के दिन ही रहेगी और इसी दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी। लेकिन इस बार जैसे ही पूर्णिमा तिथि लग रही है वैसे ही भद्रा काल आरंभ हो जाएगा। तो इस बार भद्रा का समय 30 अगस्त 2023 बुधवार को सुबह 10:59 से आरंभ हो जाएगा, यानी 30 अगस्त बुधवार को सुबह 10:59 पर भद्रा प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 30 अगस्त 2023 बुधवार की रात्रि 9:02 पर भद्रा समाप्त होगी। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, इसका अर्थ यह है कि भद्रा काल में कभी भी दो कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहला होता है श्रावणी और दूसरा होता है फाल्गुनी। श्रावणी का अर्थ होता है रक्षाबंधन करना या रक्षाबंधन का त्योहार मनाना और फाल्गुनी का अर्थ होता है होली का दहन करना। इसलिए कभी भी भद्रा काल में ये दो कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बार 30 अगस्त बुधवार को सुबह 10:59 से भद्रा लग जाएगी, जो कि 30 अगस्त की रात्रि 9:02 पर समाप्त होगी। तो भद्रा काल में राखी नहीं बांधना है, क्योंकि सुबह पूर्णिमा तिथि नहीं लगेगी, चतुर्दशी तिथि है और चतुर्दशी तिथि में कभी भी रक्षाबंधन नहीं किया जाता है। चतुर्दशी तिथि को रिक्ता तिथि कहा गया है। तो 30 अगस्त को सुबह 10:59 तक तो चतुर्दशी तिथि है, उसके बाद पूर्णिमा लग रही है, इसलिए भद्रा काल में राखी नहीं बांधना है। इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार आपको 30 अगस्त 2023 बुधवार की रात्रि 9:02 के बाद ही मनाना चाहिए, जो कि अगले दिन यानी 31 की सुबह 6:21 के पहले पहले आपको रक्षाबंधन का कार्य संपन्न कर लेना चाहिए, क्योंकि श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन भद्रा रहित अपराह्न काल में रक्षाबंधन मनाया जाता है। और भद्रा चाहे कहीं भी हो, कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग या पाताल या भूमि में हो, लेकिन भद्रा काल में कभी भी रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। बाकी अन्य कार्य आप भद्रा काल में कर सकते हैं और भद्रा काल में रक्षाबंधन निषेध माना गया है। पहले दिन पूर्णिमा के अपराह्न में भद्रा हो और दूसरे दिन पूर्णिमा त्रिमुहूर्त व्यापिनी हो, और चाहे भद्रा अपराह्न से पूर्वा में ही समाप्त हो जाए तो दूसरे दिन अपराह्न में रक्षाबंधन किया जाता है, क्योंकि उस काल में साकल्यापित पूर्णिमा का अस्तित्व रहेगा। चूंकि इस बार संवत 2080 द्वितीय श्रावण माह शुक्ल पक्ष 30 अगस्त 2023 को प्रातः 10:59 से पूर्णिमा के साथ भद्रा आरंभ हो जाएगी और पूर्णिमा तिथि का समापन 31 अगस्त 2023 की प्रातः 7:06 पर हो जाएगा। और इसी प्रकार भद्रा 30 तारीख को प्रातः 10:59 से रात्रि 9:02 पर है। 31 अगस्त को पूर्णिमा मात्र 1:52 है, जो कि त्रिमुहूर्त से भी कम है, अपितु उपरोक्त नियम के अनुसार 31 अगस्त को रक्षाबंधन मनाना उचित नहीं रहेगा। अतः 30 अगस्त को ही
भद्रा का समय काल छोड़ते हुए यानी जब रात्रि में भद्रा समाप्त हो जाए 9:02 पर, उसके बाद आपको रक्षाबंधन का कार्य संपन्न कर लेना चाहिए। रक्षाबंधन में पंचक का कोई दोष नहीं रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि पंचक में राखी नहीं बांधना चाहिए, तो हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि कभी भी रक्षाबंधन में पंचक काल का कोई भी दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि 30 अगस्त बुधवार को सुबह 10:28 से पंचक आरंभ हो जाएंगे, जो कि लगातार 5 दिनों तक चलेंगे। तो चतुर्दशी तिथि रहेगी, इसलिए उस समय सुबह राखी नहीं बांधना है। आपको राखी बांधने का जो कार्य है वो केवल और केवल 30 अगस्त 2023 बुधवार को रात्रि 9:02 के बाद ही करना है, और 31 अगस्त को सूर्योदय के पहले पहले यानी 6:21 के पहले पहले आपको राखी बांधने का कार्य संपन्न कर लेना चाहिए। सभी बहनें ध्यान रखें कि जिस दिन आप रक्षाबंधन करते हैं उस दिन शुद्ध पवित्र अवस्था में अपने भाई को राखी बांधना चाहिए, और राखी बांधते समय अपने भाई का मुंह या तो पूर्व दिशा में हो या पश्चिम दिशा में हो, इन दोनों दिशाओं में मुंह करके आप राखी बांधने का कार्य संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व या पश्चिम दिशा में जब भाई या बहन का मुख रहेगा तभी शुभ माना जाएगा। राखी बांधते समय ध्यान रखना चाहिए किसी भी शुद्ध और पवित्र आसन या चौकी के ऊपर अपने भाई को बैठाना चाहिए, और उसके मस्तक पर रुमाल या टोपी ओढ़ा कर ही उसे राखी बांधना चाहिए। सबसे पहले आप केसर का चंदन तैयार करें और उसका तिलक अपने भाई के मस्तक पर लगाएं। उसके बाद अक्षत लगाएं। अक्षत टूटे फूटे या खंडित नहीं होना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि पूजन की जो सारी सामग्री है वो बहन स्वयं ही जो है अपने घर से लेकर आए या फिर अपनी ओर से व्यवस्था करे, और तिलक लगाने के बाद भाई के सीधे कलाई में यानी सीधे हाथ में राखी बांधे, और राखी बांधने के बाद भाई को मिठाई खिलाएं और उसके बाद उसकी आरती उतारें। जब हम राखी बांधते हैं तो भाई के हाथ में एक नारियल जरूर रखना चाहिए। नारियल रख करके यदि राखी बांधी जाती है तो सुख समृद्धि और शांति का आगमन होता है। भाई बहन में प्यार निरंतर बना रहता है। तो आप मिठाई खिलाएं, आरती उतारें और उसके बाद मिलजुल करके रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है। लेकिन गलती से भी आपको भद्रा काल में राखी नहीं बांधना है। भद्रा काल में यदि आपने राखी बांध दी तो आपके घर में कोई हानि हो सकती है, भाई या बहन को नुकसान पहुंच सकता है, परिवार की हानि हो सकती है, आपके रिश्तों में दरार पड़ सकती है, आपके घर में परिवार में कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है, कोई व्यवधान या कोई बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको गलती से भी भद्रा काल में या भद्रा के समय में राखी नहीं बांधना है, और भद्रा जब समाप्त हो जाए 30 अगस्त 2023 बुधवार की रात्रि 9:02 उसके बाद ही आपको राखी बांधना है, और 30 अगस्त की रात्रि में राखी बांध करके सुबह यानी 31 अगस्त की सुबह 6:21 के पहले पहले आपको रक्षाबंधन का पर्व मना लेना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि सभी इस उलझन को समाप्त करके शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन का पर्व मना सके। और आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।